दोस्तों, हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डॉग्स कितने क्यूट होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम क्यूटनेस की सभी हदें पार करने वाले कुछ ऐसे स्मॉल डॉग्स से आपको मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपको भी इन्हें अपने पास रखने का दिल करेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्यूट डॉग आपका दिल जीत लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोमेरेनियन की। दोस्तों, सबसे पहले आप पोमेरेनियन नाम की डॉग ब्रीड से मिलिए, जो गजब के प्यारे लगते हैं, जहाँ इनकी गर्दन के नीचे काफी बाल होते हैं जो इन्हें एक अलग लुक देते हैं। दोस्तों, फ्लफी से दिखने वाले ये डॉग्स सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं, और अगर हम इनके वजन की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 3.5 किलो तक के होते हैं। ये एक कमाल की डॉग ब्रीड है जो किसी भी जगह पर घुल मिल जाते हैं, और इनके मिनी वर्जन तो आपको अपना दीवाना बना देंगे, जिन्हें आप अपनी पॉकेट में भी रखकर घूम सकते हैं। और अगर आपको कोई खास कलर पसंद है तो उसमें भी ये डॉग पीछे नहीं है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड के 18 कलर्स होते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खास बना देते हैं। नंबर 2, फ्रेंच बुल डॉग। अब बात करते हैं फ्रेंच बुल डॉग की। दोस्तों, जब हम फ्रेंच बुल डॉग का नाम लेते हैं तो कई सारे लोगों को ये इतने ज्यादा क्यूट नहीं लगते, पर एक बात पक्की है कि जब आप इन्हें सामने से देखेंगे तो इनके साथ खुद को खेलने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की इनोसेंस होती है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मस्कुलर और टिनी दिखने वाले ये डॉग ज्यादा से ज्यादा 12 इंच के होते हैं, और इनका वजन 16 से 28 पाउंड तक का होता है। पालतू बनाने के लिए ये डॉग ब्रीड बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 3, डॉग। दुनिया के सबसे छोटे और प्यारे दिखने वाले डॉग्स की हमारी इस लिस्ट में डॉग का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डॉग जब अपने छोटे छोटे पैरों के सहारे दौड़ते हैं तो गजब के क्यूट लगते हैं। इसके अलावा ये काफी फ्रेंडली भी होते हैं, इसी वजह से कई सारे लोग इन्हें अपने पालतू डॉग के रूप में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये डॉग्स कई सारी वैरायटी में आते हैं, जिसमें ये ब्लैक कलर से लेकर ब्राउन कलर की ब्रीड के भी होते हैं। हालांकि इनकी सारी वैरायटी छोटी और क्यूट होती है, जहां ये ज्यादा से ज्यादा 16 से 32 पाउंड के होते हैं। यहां तक के इनके कुछ मिनी वर्जन भी होते हैं जो 12 पाउंड के होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए वो कितने छोटे होते होंगे। नंबर 4, टॉय पुडल। दोस्तों, डॉग की ये नस्ल भी बड़ी गजब की है, जो दिखने में किसी खिलौने से कम नहीं दिखते। हालांकि इनके लार्ज साइज के डॉग भी आते हैं, लेकिन जब बात इनके स्मॉल साइज के डॉग्स की आती है तब तो इनकी क्यूटनेस किसी का भी दिल जीत लेती है, क्योंकि अपने कर्ली बालों के चलते ये डॉग लोगों को काफी पसंद आते हैं। 3 से 4 किलोग्राम के ये टॉय पुडल वाटर डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर स्पोर्ट्स काफी पसंद होते हैं। प्यारे से दिखने वाले इन डॉग्स को इसी तरह क्यूट रखने के लिए इनकी देखभाल भी करना पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे एक्टर और एक्ट्रेस अपनी देखभाल करते हैं, क्योंकि कई बार तो टॉय पुडल के ओनर्स अपने डॉग की ग्रूमिंग के लिए इन्हें हर 3 से 6 हफ्तों में प्रोफेशनल ग्रूमर्स के पास भी ले जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डॉग ब्रीड का स्टैंडर्ड कितना हाई है। नंबर 5, इटालियन ग्रेहाउंड। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को लिटिल फ्लफी डॉग ही ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इटालियन ग्रेहाउंड कुछ ज्यादा ही क्यूट लगते हैं। ये इटालियन ब्रीड लार्ज ग्रेहाउंड का छोटा रूप है, जो काफी ज्यादा स्वीट होते हैं, और इनकी लॉयल्टी अपने ओनर के लिए काफी ज्यादा होती है, और इनके अंदर फ्लफीनेस नहीं होती, इसी वजह से ये स्पीड में काफी बेहतरीन होते हैं। यानी कि अगर दोस्तों इनकी लुक्स को साइड पर रख दिया जाए तो ये काफी बेहतरीन किस्म के डॉग होते हैं, जिनके साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई वक्त गुजारना चाहेगा। इसी वजह से इटली के ज्यादातर घरों में आपको पालतू कुत्ते के तौर पर यही डॉग देखने को मिलेगा। नंबर 6, ब्रुसेल्स ग्रिफन। दोस्तों, बियर्ड यानी दाढ़ी सेक्सी और मैनली होने की निशानी मानी जाती है, लेकिन जब बात क्यूटनेस की आती है तो इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नजर नहीं आता। पर दोस्तों, इस सोच को जुटलाते हुए प्यारे से दिखने वाले ब्रुसेल्स ग्रिफन डॉग काफी जबरदस्त दिखते हैं, खासकर इनकी आंखें, जो हम इंसानों से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी इनके साथ खेलने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर आपने इनके साथ एक बार खेलना शुरू कर दिया तब तो आप वीडियो गेम खेलना भूल जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ रहने वाले लोगों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई समझदार और प्यारे साथी की जरूरत है तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 7, पिकिनीस। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिन्हें दूसरों के नखरे उठाने की आदत है तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पिकिनीस नाम के ये डॉग
जितने ही प्यारे होते हैं उतने ही ज्यादा नखरेबाज भी होते हैं, जिन्हें बिल्कुल रॉयल लाइफस्टाइल जीने की आदत होती है। हालांकि ये अपने मालिक से वफादार तो होते हैं, लेकिन वफादारी भी ये अपने मूड के हिसाब से करते हैं, और इन्हें जब अटेंशन मिलती है तो इन्हें बहुत ही मजा आता है। इसीलिए ये हमेशा फैमिली मेंबर के दरमियान ही जाकर बैठ जाते हैं ताकि कोई इनसे प्यार करे। बाकी दोस्तों, अगर इनके नखरे छोड़ दिए जाएं तो लुक में ये काफी क्यूट होते हैं, और इनके एक्सप्रेशन का तो क्या ही कहना, जिन्हें देखते ही कोई भी इन्हें गोद में उठाने की कोशिश करेगा। नंबर 8, रशियन टॉय टेरियर। अब हम बात करते हैं रशियन टॉय टेरियर की। दोस्तों, अगर आपने इस डॉग के बारे में पहले नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉग रशिया के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। रशियन टॉय दुनिया के सबसे छोटे डॉग्स में से एक है, लेकिन अपने छोटे साइज के बिल्कुल ऑपोजिट ये अपने ओनर को किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 9, हेवानीज। दोस्तों, ये क्यूट लिटिल डॉग्स क्यूबा में पाए जाते हैं, और ये वहाँ के नेशनल डॉग्स भी हैं। 23 से 27 सेंटीमीटर की हाइट वाले ये डॉग काफी ज्यादा फ्लफी होते हैं। ये बहुत ही एक्टिव और लॉयल होते हैं। ये अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। नंबर 10, पेपिलोन। अब बात करते हैं पेपिलोन की। ये हमारी लिस्ट की सबसे टॉप क्यूट डॉग ब्रीड है। इनकी क्यूटनेस की सबसे बड़ी वजह इनके कान हैं, जो दिखने में बटरफ्लाई जैसे लगते हैं। इस ब्रीड के डॉग्स को खेलना बहुत ही पसंद होता है, और ये हर वक्त खेलने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली लाइन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये दिखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन अपनी चुस्ती और फुर्ती से ये बड़े बड़े डॉग्स को पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।